Assalamu alaikum wa rahmatullah. In my dreams, when Allah comes, I feel Allah in near my jugular veins. So first and big proof is this, and second is my whole body and my whole body parts witness to me. I am talking to Allah Rabbul Alameen, and there is others. कुछ और भी यानी इसके बाद इसके अलावा ये कि एक तो अल्लाह कंटिन्यूसली बोलता है और उसमें वॉइस जो है वो हम तो सांस लेते हुए रुक जाते हैं ना, वो कंटिन्यूसली चलती है. और दूसरा ये कि वाइट कलर का नूर होता है, प्योर वाइट, इतना बहुत तेज़ होता है और ऐसे जैसे अभी आग लग जाएगी या कुछ इस तरह से, लेकिन वो आँखों को बहुत ठंडक पहुँचाता है. तो ये साइंस हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है. बहुत से लोगों को पता चल चुका होता है कि ये कुफार जो हैं वो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है ये आखिरी किला है. अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो नऊज़ बिल्लाह वो फिर इस्लाम भी ख़तरे में पड़ जाता है. तो पाकिस्तान को बचाने के लिए पूरी दुनिया से फिर लोग जमा होते हैं और इस जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग होती है वो हिंदुस्तान और उसके इत्तेहाद ही करते हैं. तो उस जंग को गज़वा हिंद कहा गया है. तो बेसिकली हमें हम किसी के खिलाफ जंग नहीं करते, हमारे ऊपर जंग मसलत की जाती है और हम सिर्फ उसका डिफेंड करते हैं, यानी इस्लाम को और पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफेंड करते हैं. तो इसमें ये इन ड्रीम्स में पैगाम है और ये पैगाम जो है ये हम स्प्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह को ख्वाब आया था और उस ख्वाब में ये था कि आने उस बादशाह को जो ख्वाब आया था उसकी जो ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी वो ये बताई थी कि 7 साल अगले जो हैं वो खुशहाली के हैं और उससे अगले 7 साल जो हैं वो खुश्क साली के हैं, बहुत मुश्किल वक्त आएगा. तो उसके हिसाब से उन्होंने वो फिर प्लान बनाया और अल्लाह ने उनकी मदद की तो वो उस प्लान में कामयाब हो गए. तो इसी तरह ये जो ड्रीम्स हैं ये भी आने वाले इवेंट्स को बेसिकली बता रहा है. तो उसमें इन ड्रीम्स के ज़रिए हम लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं कि ये ख्वाब जो हैं ये आने वाले खतरात के बारे में निशानदेही कर रहे हैं और उसके लिए हमने प्रिपेशन करनी और अल्लाह की मदद से कुफार को शिकस्त देनी है. तो बेसिकली इन ड्रीम्स में ये है. इसमें हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है, हमारा कोई अपना मकसद ही नहीं है. अगर मेरा कोई अपना मकसद होता तो ये ड्रीम्स मुझे कई सालों से आ रहे हैं, कोई आज तो नहीं आना शुरू है. तो अगर मेरा कोई अपना एजेंडा होता तो मैं जवानी में इसको शेयर करना शुरू होता या तब शेयर करना शुरू करता जब ये मुझे आना शुरू हुए थे. तो मुझे ड्रीम्स के ज़रिए ही इन ख्वाबों को फैलाने का हुक्म मिला तो मैं अब उन ड्रीम्स को फैला रहा हूँ और मुझे भी तकरीबन 6 साल हो गए हैं. तो अगर मेरा कोई अपना एजेंडा होता, हमारा कोई अपना एजेंडा होता तो मैं ये काम बहुत पहले कर चुका होता. और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कभी जानते ही नहीं हैं, यानी सारे ही ऐसे लोग हैं जो मुझे कभी जानते ही नहीं हैं. अब इनसे ये इनका कल्चर डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन ये इन ड्रीम्स को बिलीव कर रहे हैं, इनको स्प्रेड कर रहे हैं. तो ये सब अल्लाह की मदद है. इसमें हमारा क्या एजेंडा हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन इट. वी आर जस्ट स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ अल्लाह एंड हिज लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I make dua to Allah to help Muslim Ummah and make one Ummah again and so they get
their low status again, which they, we are Muslims already lost.